ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा जिससे कि आप किसी की भी शादी रोक सकते हैं। अक्सर ऐसी क्वेरी आती है जिसमें कि ज़बरदस्ती शादी हो रही होती है या फिर जो बॉयफ्रेंड है उसकी शादी कहीं और हो रही होती है तो उसको रोकना होता है। बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं, तो मैंने लाखों मंत्र शादी रोकने के दिए हैं। यदि आपके पति कहीं और शादी कर रहे हों, डाइवोर्स दे रहे हों, घर में मन ना लग रहा हो और किसी भी तरह की दुविधा हो, तो इस प्रयोग को आँख मूंद कर किया जा सकता है और ये इतना सटीक है कि पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। जब समय बहुत कम हो और असर जल्दी देखना हो, उस समय पर इस प्रयोग को किया जाता है। इस प्रयोग में आपको क्या करना है कि ये जो यंत्र मैं आपको दूंगा, इस यंत्र को या तो काली मोमबत्ती से जला दीजिए, काली मोमबत्ती जलाइए और उसके ऊपर इस यंत्र को रख दीजिए, और जब ये जल जाए तो इसकी राख को किसी पेड़ के नीचे गाड़ के आ जाए। और कई ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी काली मोमबत्ती नहीं मिल रही है, और जब ऐसा हो तो आप इस यंत्र को किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे गाड़ दें, जलाए ना इसको, बस इसको गाड़ दें तो भी ये अपना काम सटीक करेगा। तो इसको करना कैसे, इसकी विधियां क्या हैं, आहार प्रतिहार क्या रहेगा, आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए इसको करने के लिए, तो वो सारा आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आप इसको शुरू करें तो आपकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल शांत होनी चाहिए, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय पर अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। और बिल्कुल सात्विक होकर इस प्रयोग को शुरू कीजिएगा। आपको क्या करना है, बुधवार, गुरुवार या शनिवार, इन तीन दिन में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इस यंत्र को बनाइए रोली, हल्दी और जो कौवा होता है, कौवे की पंख से उसकी आप कलम बनाइए और इस यंत्र का निर्माण कीजिए। निर्माण करते हुए आपका जो मुख है वो सूर्य की तरफ होगा और आपका जो आसन है वो काले रंग का होगा। कुछ भी ऐसा जो आप जिस पर आप बैठ सकें वो काले रंग का बिछा लें, और काले रंग का ही आपको ओढ़ना है। जो आपका सिर होगा उसको ढकने के लिए आपको काला रंग का कोई कपड़ा चाहिए, उससे अपना सिर जो है वो ढक लीजिएगा। इसके बाद एकांत स्थान ढूंढिए और इस यंत्र का निर्माण शुरू कीजिए। यंत्र निर्माण के समय सिर्फ एक ही भाव आपके भीतर होना चाहिए कि जो भी साध्य है उसकी शादी इस प्रयोग से टूट रही है, बस टूटने ही वाली है, टूट ही गई है। इस तरह का भाव रखते हुए इस यंत्र को बनाइए। जब यंत्र निर्माण शुरू करें तो एक दिया जला ले अपने पास और अग्नि को साक्षी मानकर उसकी लौ पर अपना हाथ रखकर जो भी आपका जो संकल्प हो वो लीजिए और उसके बाद शुरू कीजिए इस यंत्र को बनाना। यंत्र बनाते हुए आपको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कोई जैसे आवाज़ आ रही हो, बच्चे हों या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको बनाना है आपको शाम के 4 से 8 के बीच में, इस समय पर आप इसको बना सकते हैं। और जब इस यंत्र को बनाएं तो ये सावधानी रहे कि आसपास कोई ना हो, अकेले आप हों, क्योंकि जब यंत्र निर्माण होता है, ये जो यंत्र मैं आपको दे रहा हूँ इसमें कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि दो आत्माओं के पास में नहीं आएंगी। अगर आप अकेले हैं तभी ये यंत्र काम करेगा। तो इसको बनाते हुए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अकेले में बनाएं, अकेले में बनाएं। और इसको जब बना लें तो अपने आसपास कोई ऐसा पेड़ देखें जो लगभग 5-6 साल पुराना हो, बड़ा पेड़ हो, उसकी जड़ में जाके इसको गाड़ाएं। तो होगा ये कि ये जो प्रकृति है ये आपकी इस प्रार्थना को सुन लेगी और देखते ही देखते
जो साध्य है उसकी शादी जो है वो टूट जाएगी। मैंने लाखों लोगों को ये प्रयोग दिया है और इसने अपना काम पूर्णतः सफल किया है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये आपका भी काम बनाएगा। बस आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ इस यंत्र का निर्माण करना है और फिर अपने आसपास जो भी कोई बड़ा पेड़ हो उसके जड़ में इसको गाड़ के आ जाए। शुभ दिन रहेगा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, गुरुवार, शनिवार, बुधवार, इन दिनों में आप इसको बना सकते हैं और गाड़ सकते हैं। और इस दौरान ये जो आपको असर दिखने का जो समय है वो है 11 दिन। 11 दिन के भीतर भीतर आपको इसका असर दिख जाएगा। जब इस समय में हो, जब आप इस अंतराल में हो, तो आप एक साधक कहलाएंगे, एक साधक की तरह आपको रहना है। इस दौरान आपको ना ही किसी से द्वेष रखना है, किसी भी तरह का अपशब्द किसी को नहीं कहना है, बिल्कुल शांत रहिए, क्योंकि इस समय पर आपकी शक्तियाँ जो हैं सारी वहाँ लगनी चाहिए। आपको किसी को भी अपशब्द नहीं कहने हैं, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, किसी भी तरह का मांस मदिरा, बीड़ी गुटखा, धूम्रपान, ये सब आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, ये कभी नहीं करना है। ये इनको छोड़कर इसके बाद आप ये प्रयोग कीजिएगा। तीसरा है कि इस समय में, इस अंतराल में आपको अकेले रहना है 11 दिन तक। जितना अधिक हो सके किसी के संपर्क में ना आए, किसी के संपर्क में ना आकर अकेले रहें, एकांत में रहें, ध्यान में रहें। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्वच्छ रहना है। सुबह उठते ही साथ नहा लीजिए और भक्ति में लगे रहिए, आरतियां कीजिए, भगवान को मनाइए। और ये जो प्रोसेस है ये आपको एक दो दिन में ही असर दिखा देगा। आपकी जो मानसिकता है वो सटीक एकदम स्वच्छ होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। जितना हो सके अपना ये जो समय है ये भक्ति में लगाएं, तो इस प्रोसेस को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता वो भी मैंने होते हुए देखे हैं। तो सब कुछ पॉसिबल है, बस आपका जो है थोड़ा सा इसमें सहयोग चाहिए कि आप किस तरह से सोचते हैं और आपके विचार कहाँ पर जा रहे हैं। अपने विचारों पर ध्यान लगाइए और उनको सकारात्मक कीजिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी अंदर नहीं आनी चाहिए। आपको दिन में कम से कम भी 10 बार 100 बार ये कहना है कि मेरा काम हो गया है, मेरा काम हो गया है, और जो भी आपका साथी है वो आपसे मिलने आ रहा है, यही दोहराते जाइए। तो ये प्रकृति आपकी ताल से ताल मिलाएगी और जो भी आप चाहते हैं उसको पूरा करेगी। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, इसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूँगा। अभी जो है आपको इस यंत्र को बनाना, इसकी तस्वीर मैं आपको दे देता हूँ। ये जो यंत्र है इसको आपको भोजपत्र पे बनाना है। भोजपत्र पे हल्दी और रोली, सिंदूर और हल्दी को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाएं और फिर इस यंत्र का निर्माण करें। काले जो कौवा होता है उसकी पंख को थोड़ा सा छील लें, उसके आगे जो सफ़ेद सफ़ेद होता है उससे थोड़ा सा छील कर इसको कलम बना लें और फिर इसका निर्माण करें। निर्माण करने के बाद आप इसको अपने आसपास किसी भी कोई बड़ा सा पेड़ हो उसकी जड़ में गाड़ कर आ जाएं, और जो भी पेड़ हो, अगर पीपल का पेड़ हो तो बहुत बढ़िया है, उनसे आग्रह करें कि जो भी मेरा ये यंत्र निर्माण है, जो भी मेरी प्रोसेस है, इसको, इस यंत्र राज को पूर्ण कीजिए और मुझे जो मेरी मंशा है उसको पूर्ण करने में सहयोग कीजिए। तो आप देखिएगा कि बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र जो आपकी कामनाएं थी, सिर्फ ये नहीं, आपके मतलब जो भी आपके मन के भीतर जो कामनाएं थी वो भी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ एक ये नहीं, सिर्फ शादी नहीं टूटेगी, आपकी जितनी भी कामनाएं थी वो सारी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं जिनको यहाँ पर मैं वर्णित भी नहीं कर सकता, बहुत ही कठिन है समझाना। तो किसी भी तरह की अगर दिक्कत परेशानी आए, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो और अगर कुछ पूछना हो, कहीं पर त्रुटि हो गई हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 999-8461625 पर।
या फिर आप मुझे मेल कीजिए info@mohiniwidya.com। धन्यवाद।